नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ज्वार के चटपटे बॉल्स। कम तेल में बना ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक होता है, साथ ही ये ग्लूटीन फ्री भी है। इसे बनाने के लिए मैं 3/4 बॉल ज्वार का आटा ले रही हूँ। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है, इसमें 2 छोटी चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल देते हैं। जरा सी हल्दी डाल देते हैं। ज्वार ली है, उसी बोल से 1 बोल पानी डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। 2 छोटी चम्मच दही डाल देते हैं। दही को फेंट कर लिया है, लगातार चलाते हुए पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें ज्वार का आटा डालकर मिक्स कर लेते हैं। दो छोटी चम्मच बेसन डालकर मिक्स कर लेते हैं। डो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि लम्स ना रहे। सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें 2 बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। डो को परात में निकाल देते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालकर डो को अच्छी तरह नीड कर लेते हैं। एक स्मूथ डो बनकर तैयार हो गया है। स्टीमर की जाली वाली प्लेट ली है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। एक नींबू की साइज का डो लेकर इसके बॉल बना लेते हैं और इन्हें प्लेट में रख देते हैं। मैंने सारे बोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। स्टीमर में पानी डालकर गरम कर लिया है, अब इस प्लेट को स्टीमर में रख देते हैं। ढक्कन लगाकर 10 मिनट स्टीम कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे ज्वार बॉल्स पककर तैयार हो गए हैं। ये फूलकर बड़ी साइज के हो गए हैं। अभी बहुत गर्म है, इसलिए प्लेट को निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। एक जार में 2 रफली चौकिए टमाटर डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। एक पैन को गर्म होने के लिए रखा है, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देते हैं। तिल का क्रंची टेस्ट बोल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। 2 लाल मिर्च डाल देते हैं। थोड़े कड़ी पत्ते और चॉप किया 1 प्याज डालकर मिक्स कर लेते हैं। आधी शिमला मिर्च डालकर भून लेते हैं। अब टमाटर की प्यूरी डालकर मिक्स कर लेते हैं। टमाटर की प्यूरी की जगह टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। अब कुटी हुई अदरक डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार सफेद नमक, काला नमक, जरा सा हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे हमारे बॉल्स पर एक अच्छा कलर आएगा और थोड़े चटपटे भी बनेंगे। अब इसमें 1/2 गिलास पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। पानी में उबाल आ गया है,
हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। अब ज्वार बॉल्स डालकर मिक्स कर लेते हैं और एक दो मिनट मसालों के साथ गरम कर लेते हैं। यदि पानी कम लगे तो थोड़ा और डाल दें। ज्वार के चटपटे बॉल्स बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। अब इन्हें प्लेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। तिल और धनिये से गार्निश कर देते हैं। ज्वार के ये बॉल्स बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।